ऑटो रिक्शा ड्राइवर दीपक अपने घर से अपना ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ता है। अरे जल्दी से स्टार्ट हो जा। अरे हो जा। लगता है इसको भी ठंड लग गई। हो गई। सर्दियों का मौसम होने के कारण आज ठंड बहुत थी और कोहरा भी काफी छाया हुआ था। सर्दी के कारण दीपक के दांत किटकिटा रहे थे। हाथ मेरे कटे जा रहे हैं बिल्कुल। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। मेरी तो हड्डियां भी कपा रही हैं। ठंड से कपकपाता हुआ दीपक सड़क पर अपनी ऑटो को दौड़ाए चला जा रहा था। दीपक मुंबई से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के आने से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना चाहता था। अरे यार बहुत ठंड हो रही है। मुंबई से आने वाली एक्सप्रेस के आने से पहले पहले मुझे स्टेशन पर पहुंचना होगा, तभी तो मुझे काफी सारी सवारियां मिल सकती हैं। और तेज करता हूँ, काफी देर हो गई। ऑटो को मध्यम गति से दौड़ाता हुआ दीपक एक ऐसी जगह पर आ पहुंचता है जहां मेन रोड से एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर कटा हुआ था। ये जंगली कच्चा रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का शॉर्टकट रास्ता था। इस दौराहे पर आकर दीपक अपनी ऑटो को रोक लेता है और कच्चे रास्ते पर एक भरपूर नजर डालने के बाद सोचने लगता है। अरे देर हो रही है, क्या करूं। अरे हाँ, ये शॉर्टकट रास्ता है। क्यों ना मैं इस शॉर्टकट रास्ते से चलूं। इस पर चलकर जाऊंगा तो बहुत जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ये बात सही है। हाँ, इधर से तो काफी टाइम लगेगा। चल भाई। ये विचार मन में आते ही दीपक अपने ऑटो रिक्शा को शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ देता है और मध्यम स्पीड से ऑटो को दौड़ाने लगता है। इस जंगली रास्ते से बहुत कम लोग ही गुजरते थे क्योंकि ये रास्ता हॉन्टेड था। इस रास्ते पर एक डायन के घूमने की कहानी आसपास के इलाके में मशहूर थी। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर घूमने वाली डायन आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर लिफ्ट देने वाले को भयानक मौत मार देती है। इसी कारण ये शॉर्टकट रास्ता हमेशा वीरान पड़ा रहता है। दीपक भी इस रास्ते के हॉन्टेड होने और डायन की कहानी के बारे में जानता था, लेकिन वो ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। इसीलिए तो दीपक ने आज अपना टाइम बचाने के लिए इस हॉन्टेड रास्ते को चुना। अरे भाई, लोग कहते हैं इस रास्ते पर कोई डायन घूमती है। बेवकूफ हैं लोग। भला भूत प्रेत डायन जैसी चीजें हकीकत में थोड़ी ना होती हैं। अरे ये सब बेकार की बकवास है। मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। हाँ, लेकिन सन्नाटा तो है। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद फिर मैं मेन रोड पर आ जाऊंगा और जल्दी से स्टेशन पहुंच जाऊंगा। अभी दीपक को इस रास्ते पर ऑटो दौड़ाते हुए लगभग 5 ही मिनट गुजरे थे कि दीपक को अपने सामने सड़क के किनारे खड़े एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर महिला हाथ में हैंडबैग लिए खड़ी नजर आती है। ये पेड़ के नीचे लगता है कोई खड़ा हुआ है। इतने वीराने में, इतनी रात में कौन खड़ा हो सकता है। थोड़ा सा पास जाकर देखना पड़ेगा। हैं? अरे
ये तो कोई महिला है। हाँ, बड़ी सुंदर महिला है। महिला ऑटो को अपनी ओर आता हुआ देखकर लिफ्ट मांगने वाले अंदाज में अपना हाथ हिलाने लगती है और बड़ी सुरीली सी आवाज में लिफ्ट मांगती है। रोको रोको ऑटो रोको। दीपक महिला के पास आते ही अपने ऑटो रिक्शा को ब्रेक लगा देता है और ऑटो से बाहर अपनी गर्दन निकालकर महिला से पूछता है। हाँ, बोलिए मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मेरे पति मुंबई से आ रहे हैं, मुझे उनको पिकअप करना है, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन ले चलोगे? हाँ हाँ मैडम जी, ले चलूंगा, क्यों नहीं ले चलूंगा। पर 50 रुपए भाड़ा लूंगा। महिला बिना कुछ जवाब दिए ऑटो की पिछली सीट पर बैठ जाती है और दीपक ऑटो को आगे बढ़ा देता है। महिला दीपक से कहती है, अरे आज तो ठंड बहुत है भैया, और कोहरा भी काफी ज्यादा छाया हुआ है। अब ऑटो थोड़ा धीरे चलाओ ना, और जरा ध्यान से चलाना। अरे मैडम जी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको सुरक्षित रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा। बस थोड़ी देर में, सबर रखो। और इसके बाद इन दोनों का ये सफर कुछ दूर तक बड़ी खामोशी के साथ गुजरता है। फिर अचानक दीपक को ऑटो की पिछली सीट से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है। दीपक बैक व्यू मिरर में देखता है तो ये देखकर वो बुरी तरह चौंक जाता है कि पिछली सीट पर वो महिला है ही नहीं जो ऑटो में बैठी हुई थी, बल्कि महिला की जगह एक मोटी काली बिल्ली बैठी हुई रो रही है। दीपक बुरी तरह हड़बड़ा जाता है और ब्रेक लगाकर एक झटके से ऑटो को रोककर पीछे की ओर पलटकर देखता है। हैं? अरे ये चलते हुए ऑटो से मैडम कहाँ गायब हो गई, और ये बिल्ली मेरे ऑटो में कहाँ से आ गई? अब मैडम, मैडम, ओ मैडम, ये बिल्ली कहाँ से आई? मैडम के साथ तो हो नहीं सकती, मैडम तो अकेली चढ़ी थी ऑटो में, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? हो दीपक अभी इस गुत्थी को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ऑटो में बैठी हुई बिल्ली अचानक एक भयानक शक्ल वाली डायन का रूप धारण कर लेती है और फिर वो डायन बड़ी डरावनी आवाज में बोलती है, ऐसे अचंभे से मुझे क्या देख रहा है? मैं लिफ्ट मांगकर लोगों को मारने वाली डायन हूँ। ये मैडम डायन, ये डायन कहाँ से आ गई? और फिर वो डायन डरावनी हंसी हंसती है। भगवान क्या करूं मैं? डायन को अपने सामने देखकर दीपक दहशत के कारण थर थर कांपने लगता है। भरपूर सर्दी के मौसम में भी दीपक का चेहरा पसीने से तर हो जाता है। ये रास्ता मेरा है, इस रास्ते पर गाड़ी चलाने वालों को
मैं भयानक मौत मारती हूँ, तू भी मारा जाएगा। नहीं नहीं नहीं। और फिर वो डायन अपने लंबे नाखूनों वाले पंजों से लपक कर दीपक की गर्दन दबोच लेती है। दीपक के मुंह से बहुत ही दर्दनाक चीख निकलकर वातावरण में गूंज उठती है। भैया, अरे ऑटो वाले भैया, क्या हुआ? क्या कोई डरावना सपना देख लिया तुमने जो इतने डर गए हो? अरे जल्दी चलो। ये क्या रहस्य है? वो डायन कहाँ गायब हो गई? लगता है वो डायन यहाँ पर थी ही नहीं। ये सब मेरे दिमाग का वहम था। अरे भैया जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। जी मैडम। और दीपक ऑटो रिक्शा को आगे बढ़ा देता है। आज उस घटना को घटे 1 साल गुजर चुका है। दीपक अब भी ऑटो रिक्शा ही चलाता है, लेकिन दीपक अब उस शॉर्टकट रास्ते से कभी नहीं गुजरता, क्योंकि दीपक के लिए वो घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वो नहीं जानता कि उस दिन घटने वाली वो घटना सचमुच में घटी थी या फिर वो उसका वहम था।